जय शंकर, ये वीडियो उन सभी साधकों के लिए, उन व्यक्तियों के लिए है जो तर्पण को अपने नित्य साधना के अंदर शामिल करना चाहते हैं। समय के अभाव के कारण जो लोग तर्पण नहीं कर सकते, ये वीडियो उनके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये वीडियो मैंने पीवीआर नरसिम्हा राव जी, जो कि अमेरिका में भारतीय मूल के निवासी हैं, आईआईटी से इंजीनियरिंग किए हुए हैं और अमेरिका के शायद बॉस्टन के अंदर ही वे इंजीनियर के पद पे किसी कंपनी के अंदर कार्यरत हैं, उनका वीडियो है यूट्यूब पर, जो कि इंग्लिश भाषा के अंदर पूरा समझा रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। उस वीडियो को रेफरेंस लेके ये सभी जो कि जिन्हें कि इंग्लिश भाषा में समझ पाना थोड़ा सा कठिन है, उसके लिए मैं उस वीडियो का रेफरेंस लेके मैं तर्पण की विधि को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो अगर आपको तर्पण करना, अपनी साधना के अंदर आप शामिल करना चाहते हैं, तो वीडियो आपके लिए। तो चलिए, हमारा ये जो क्रम है उसके लिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको पंच पात्र चाहिए होगा, तांबे का एक कलश, उसके अंदर ये जिस चम्मच जैसा और एक छोटी सी प्लेट, ये तीन पंच पात्र होते हैं। जिनके पास नहीं है वो अपनी घर के आसपास जो पूजा सामग्री की जो दुकान है वहां से इसको परचेज कर सकते हैं। एक हमको चाहिए होती है एक प्लेट, वही तांबे की बनी हुई। देखिए, अगर आपके पास तांबे या ऐसा कुछ नहीं है तो आप नित्य जैसे घर के अंदर जो चम्मच है उसका प्रयोग ले सकते हैं और कोई थाली का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुल पांच प्रकार के हमको नित्य तर्पण करने होते हैं। एक मिनट के अंदर ये वीडियो खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं है, इसलिए आप इसको जरा गौर से देखिएगा। सबसे पहले किन को तर्पण करते हैं, वो होते हैं देवता। सबसे पहला तर्पण जो होता है वो देवता को किया जाता है। देखिए, हाथ में जल लेंगे और हाथ के आगे वाला जो भाग है यहां से जल आगे की तरफ अर्पित करेंगे, तो पहला तर्पण होगा देवता का। दूसरा तर्पण होता है सप्तऋषि का। सप्तऋषि को भी जब तर्पण करते हैं, यानी हम उनको जल समर्पित करते हैं, तो आगे वाले भाग से, यानी ये जो भाग है यहां से जल को छोड़ा जाएगा। तीसरा जो होता है वो अन्य जो भी ऋषि हैं, सप्तऋषियों को छोड़ के अन्य ऋषि और दिव्य मनुष्य, इनका साथ में तर्पण किया जाएगा। सप्तऋषि और दिव्य मनुष्यों का वो तर्पण यहां से, इस जगह से, हथेली के इस भाग से पानी, यानी जो उनको अर्घ्य देंगे वो यहां से छोड़ा जाएगा। तो ये कार्यक्रम हम दो बार करेंगे, ठीक है ना। और फिर होगा पितरों के लिए। पितरों के लिए तर्पण जो होता है वो इस भाग से होता है, अंगूठे और इस अंगुली के बीच में ये वाला जो भाग है, इससे हम पितरों को तर्पण तर्पित करेंगे। तो अब देखिए, जो हमारा प्रोसेस है इसको हम शुरू करते हैं। हर तर्पण के साथ साथ कुछ मंत्र हैं, एक लाइन के मंत्र हैं। वो मंत्र आपको स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो जाएंगे, तो आप स्क्रीन पे उसको देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन के अंदर वो मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है ना। तो उससे आप कर सकते हैं। तो देखिए, शुरू करते हैं। ये कार्यक्रम शुरू करने से पहले एक और चीज, इसके अंदर जब हम, हालांकि उस वीडियो में ऐसा नहीं बता रखा है, लेकिन मैं अपनी तरफ से बताता हूं कि भाई ये जो लोग हैं, ये उनको तर्पण करने से पहले हम उनको निवेदन करते हैं कि मैं आपके लिए तर्पण कर रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार कीजिए और मुझे अनुग्रहित कीजिए। तो हम देखिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पवित्रीकरण और आचमनी लेंगे। आचमनी करने का तरीका सभी को पता ही होगा, ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः स्वाहा। अब पवित्रीकरण करते हैं। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सभयाभ्यंतरः शुचि। अब हम प्रार्थना करते हैं। मैं देवताओं, सप्तऋषियों, अन्य ऋषियों, दिव्य मनुष्यों और पितरों के निमित्त तर्पण करने जा रहा हूं, कृपया आप सभी इस तर्पण को स्वीकार कीजिएगा और मुझे अनुग्रहित कीजिएगा और अपनी कृपा सदैव हम सब पर बनाए रखिएगा। अब पहला तर्पण देवताओं के लिए। देखिए, यहां पे जल लेंगे, ओम देवाह तृप्यंताम, यह हुआ देवताओं के लिए। अब सप्तऋषियों के लिए, ओम सप्तऋषयः तृप्यंताम। अब ऋषियों और दिव्य मनुष्यों के लिए, ओम ऋषियो दिव्य मनुष्याः तृप्यंताम, ओम ऋषियो दिव्य मनुष्याः तृप्यंताम। अब जो है वो तर्पण जो बचा है वो पितरों के लिए। तो पितरों को तर्पण जब करते हैं तो यहां पर हम काले तिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो काले तिल अगर हो तो ठीक है, वरना आप ऐसे ही कर सकते हैं।
ओम पितरः तृप्यन्ताम् तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः। 3 बार इसको करना है और बाद में हाथ हम धो लेते हैं। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। और एक शांति मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। समाप्त। इतना सा प्रोसेस है, आप इसे जरूर अपनाएं। आपके मानसिक जो अशांति है उसमें आपको बहुत फर्क महसूस होगा ये करने के बाद, क्योंकि ये दिव्य तत्व जो हैं ये हमारे द्वारा दिया गए इस तर्पण को स्वीकार करते हैं और हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस प्रोवाइड कराते हैं। पॉजिटिव वाइब्रेशन करते हैं, हमारे चारों तरफ के वातावरण को हमेशा सात्विक रखते हैं, इसलिए जो नेगेटिविटी होती है वो सारी की सारी दूर हो जाती है और हमारे जीवन के अंदर जो कष्ट होते हैं वो भी धीरे 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 समाप्त हो जाते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अगर इसको अपनाना चाहें तो जरूर इसे आज कल से ही, आप इसको आज से कल से जब से भी आप स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं प्रोसेस को दोहरा देता हूं आपके लिए, तो उस प्रोसेस को करने के बाद आप इसको देख लें। ओम देवाः तृप्यन्ताम्, ओम सप्तऋषयः तृप्यन्ताम्, ओम ऋषयो दिव्यमनुष्याः तृप्यन्ताम्, ओम ऋषयो दिव्यमनुष्याः तृप्यन्ताम्। अब लास्ट जो है वो पितरों के लिए, तो काले तिल हम यहाँ रखते हैं। ओम पितरः तृप्यन्ताम् तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः तेभ्यः स्वधा नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।